हमारा तो बाकी है पूरा 400 रुपया मिला है, जबकि हम 22 दिन काम किए। 22 दिन काम किए हैं, आपका पूरा मजदूरी कितना हुआ 22 दिन का? 7,000 के लगभग जाएगा। 7,000 में आप 400 पाए हैं। परिवार बच्चा कैसे चलेगा आप समझ सकते हैं, गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने 7,000 का काम किया और 400 रुपया पाकर के, और यार 4,000 में 300 पाए, 4,000 में 300 रुपया पाए हैं। मजदूरों की बुरी हाल हुई है, जो प्रमुख ने करा करके लगभग 2 वर्षों से खड़ा है यह बिल्डिंग, और न इसमें शौचालय बना, न पानी मिल पाया, न मजदूरों को एक भी पैसा मिल पाया है, और किन्हीं का। नमस्कार, हम कन्हैयालाल यादव, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। हम आज पहुंच चुके हैं जनपद सोनभद्र में अति नक्सल ब्लॉक सरेगढ़ ग्राम पंचायत के सोनबरसा गांव में। हमारे साथ हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भैराम सूरज जी। हमसे पूछना चाहेंगे, जो ये बना है आंगनबाड़ी केंद्र, कितने लागत का रहा है, कब का बना है? ये तो सर 8 लाख का है जी, 8 लाख का है, इम्प्लीमेंट इसका नहीं हुआ। कितने वर्षों से बन चुका है? लगभग लगभग 3 साल हो गया। 3 साल मजदूरों का बकाया पैसा कुछ मिला नहीं मिला? अभी नहीं मिला, 200-400 तक मिला है। ठेकेदार जो कार्य करने आते थे, आपके समझ थे, आप जान पहचान के हैं ठेकेदार जो कार्य कराते थे यहाँ? जी। कौन है ठेकेदार? ठेकेदारी में ठेकेदार किनके माध्यम से काम है? प्रमुख का। प्रमुख का, प्रमुख का कार्य है। 3 वर्षों से काम ये पड़ा है, जो किसी मजदूरों को नहीं मिला। नहीं। तो आप अपेक्षा क्या करना चाहेंगे कि मजदूरी मिले ना मिले, क्या आप अपेक्षा किए हैं सरकार से, किन पे आरोप लगाते हैं आप? तो प्रमुख जी कहना तो जीतने के बाद कि आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। हाँ। हम लोग 2-3 साल से जो है, अब जो होने के बाद पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग बीडीसी से कहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। बीडीसी यहाँ मिठाई का कार्य कर रहे थे। हाँ। फिर भी कुछ पैसा दिया गया कि एकदम नहीं, कुछ मिला है? कुछ मिला है। लगभग कितने मजदूरों का कितना पैसा बाकी हुआ? लगभग कुल मजदूरों के मजदूरी, आपका लगभग कितना पैसा लक्ष्मण बाकी है? अरे हमारा तो बाकी है पूरा 400 रुपया मिला है, जबकि हम 22 दिन काम किए। 22 दिन काम किए हैं, आपका पूरा मजदूरी कितना हुआ 22 दिन का? 7,000 के लगभग जाएगा। 7,000 में आप 400 पाए हैं। परिवार बच्चा कैसे चलेगा आप समझ सकते हैं, गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने 7,000 का काम किया और 400 रुपया पाकर के, और यार 4,000 में 300 पाए, 4,000 में 300 रुपया पाए हैं। मजदूरों की बुरी हाल हुई है, जो प्रमुख ने करा करके लगभग 2 वर्षों से खड़ा है यह बिल्डिंग, और न इसमें शौचालय बना, न पानी मिल पाया, न मजदूरों को एक भी पैसा मिल पाया है, और किन्हीं का बाकी है। मनोज, आपका पैसा कितना लगभग बाकी होगा? जी सर, कितना पैसा बाकी होगा? 14 दिन ड्यूटी है। 14 दिन मजदूरी कितना होगा लगभग आपका? लगभग 5-6 हजार रुपया से कम नहीं है उनका भी, वो भी अभी तक बयां कुछ पाए हैं? 300-400 2-2, 300-300 रुपया दे करके इनको बुलवाया गया है, फटे बुरे हाल में बिता रहे हैं अपना जीवन, अभी तक भी पैसा नहीं मिला, ये है हाल। तो आप बीडीसी साहब कभी जाकर के प्रमुख जी से कहे कि मजदूरों को पैसा दे दीजिए? जी। तो फिर वो क्या कहते हैं प्रमुख जी? प्रमुख जी कहते हैं कि चलिए सब काम चालू हो जाएगा, अभी कागज पत्र बनवा रहे हैं, अगर बनवाने के बाद आ रहे हैं, 4 वर्ष उनके अभी नहीं आ पाए, अभी नहीं आ पाए। 2 वर्षों से खड़ी बिल्डिंग अभी तक नहीं बन पाई और न मिला मजदूरों का पैसा,